ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। वैसे आज भी सोकर उठने में काफी लेट हो गया, इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा जो लास्ट वाला मेरा वीडियो था वो काफी लेट आया था। अब इसका रीजन क्या था ना, कल रात में आ गया था लाइव अपने इंस्टाग्राम पे और मैं सोचा चलो ठीक है आधे घंटे तक मैं करूंगा। 11:30 बजे के आसपास मैं लाइव आया था, इतने लोगों से बात होने लगा ना और मुझे भी इतना अच्छा लगने लगा। मैंने वो जो लाइव था 1 बजे तक किया, फिर उसके बाद मैंने वीडियो को एडिट करना स्टार्ट किया और रात ही में मैंने वीडियो एडिट कर दिया था, लेकिन सोचा था सुबह उठकर ही अब एक ही बार अपलोड कर दूंगा, लेकिन नींद ही नहीं खुला। वो तो थैंक्स टू आर्यन, आर्यन आ गया इसलिए मैं उठ गया। वैसे मैं फ्रेश हो गया हूँ अभी और ये आके ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। क्या बनाई है नानी आर्यन? चलो आर्यन तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मेरा टाइम है करने का। एक्चुअली जब आर्यन कर रहा था तब मैं सोया हुआ था गहरी नींद में। चलो मम्मी ब्रेकफास्ट लेकर आती है तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये होने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। वैसे मम्मी तुम कब करोगी? बना रहे हैं, गरम गरम लेके आ रहे हैं। आओ जल्दी, हम वीडियो स्टॉप करके रखे हैं। अभी मैं और मम्मी साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और वीडियोस भी देखेंगे। आज का सारा दिन ही काफी बोरिंग रहा क्योंकि लाइट चला गया था, बारिश भी हो रहा था और सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जब लाइट चला जाता है, मतलब घर पे क्या ही करेगा आदमी। इसलिए मैं, आर्यन और मम्मी सब बोरी हो रहे थे घर पे, लूडो खेल रहे थे। अब हमेशा क्या ही लूडो दिखाऊं आप लोगों को, मेरे को छोड़कर आपस में ही आइसक्रीम खा रहे। चलो कोई नहीं, मैं भी कुछ ऑर्डर करूंगा, मंगाऊंगा तो मैं भी तुम लोग को दिखा कर खाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को आइसक्रीम खाने का मन ही नहीं कर रहा है, पक गया हूँ आइसक्रीम देख देख कर इतने दिन से घर पे। और आर्यन देखो मजे में खाया जा रहा है। तो आर्यन आज सोच रहे हैं, तुम आया ही है तो आज कुछ चैलेंज कर लिया जाए, कुछ अच्छा आइडिया है? सोचते हैं कुछ अच्छा। सोचो सोचो कुछ आज चैलेंज करने का मन है। चलो इन लोगों ने तो अपना आइसक्रीम खा लिया, अब मैं अपना चाय पी लेता हूँ। चाय का कंपटीशन करो, हमसे कोई नहीं जीत पाएगा। वैसे अभी आपने भी देखा होगा जो लंच है मैं ज्यादातर टाइम अभी स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जो ब्रेकफास्ट एंड डिनर है कुछ ज्यादा ही हेवी हो जाता है, इसलिए लंच स्किप ही कर देता हूँ मैं। हम लोगों ने सोच लिया है कि चैलेंज क्या होने वाला है, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बट उससे पहले मम्मी आज घर पे बना रही है झाल मुड़ी। आर्यन आने से भाई आर्यन को तो काफी अच्छा खातिरदारी मिलता है। चलो आर्यन के वजह से हमको भी खाने मिल गया, हमको भी बहुत दिन हो गया था झालमुड़ी खाए हुए। तो मम्मी देख लो झालमुड़ी में क्या क्या डालती है। ये टमाटर डालती है, मिर्च, आर्यन को मिर्च काफी पसंद है, कोरिएंडर लीव है, यार इतना इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, धनिया पत्ता भी है साथ में। और घर पे जब भी ऐसे मुड़ी बनता है तो हाथ में थोड़ा लेकर खा लिया करो, अच्छा लगता है। ये मेरा फेवरेट मीठा चना चूर। तो मेरा आदत है घर पे जब भी ऐसे कुछ बनता है ना थोड़ा थोड़ा मैं लेकर खाते रहता हूँ। अब इसके अंदर गया ये टमाटर, धनिया पत्ता भी गया, आर्यन का फेवरेट हरी मिर्च, अच्छा तो इसके अंदर सरसों का तेल भी जाएगा। बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से मिलाना है। वेस्ट बंगाल में शाम के समय ज्यादातर लोगों के घर में ये भी बन जाता है, इसके साथ आलू का एक चॉप होता है या फिर इसके साथ समोसा हो गया, और भी अच्छा लगता है। और साथ में चाय मिल जाए तो क्या ही कहना है। इतना चाय पीते हो? हम बोल रहे हैं चाय हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हम बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा बना ये, अच्छा होना है। कैसा बनाया आर्यन? बहुत ही टेस्टी है। अच्छा बनाया ना? नानी से पूछना तो, सिखाया कौन है नानी को? मामा सिखाया है। अब अपनी की तारीफ करूं। चलो खाओ, इसके बाद किया जाएगा चैलेंज। देख लो हम लोगों ने मूढ़ी वगैरह खा लिया है और आर्यन देख लो क्या देख रहा है। अच्छा यूट्यूब रील से। अभी एक दिक्कत क्या हो गया है ना कि हमारे पास बस एक ही अभी कांटा का चम्मच है, अभी तो खुला नहीं होगा कुछ, अभी तो सब बंद होगा। दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास, एक ये वाला है, ये प्लास्टिक का चम्मच है जो खाने के साथ आता है। बताओ ऐसा है भाई, फूड ब्लॉगर हूँ मैं और मेरे घर में एक ही कांटा वाला चम्मच। मम्मी एक बार कल याद दिलाना तो कल पूरा सेट लेकर आ जाएंगे इसका, क्योंकि देख लो इसमें थोड़ा जगह है जिसमें सूप आ सकता है, लेकिन इसमें तो वो भी नहीं है। अभी कुछ करना होगा जिससे पता चले कि कौन सा फॉक किसके पास जाएगा। वैसे आर्यन तुम कौन सा लेना चाहेगा? ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे गरम पानी करके मैंने रेडी कर लिया है, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में इसलिए दो कांच का कटोरी। वैसे सूप क्या है मम्मी? वही डब्बा में रखे हैं। इसमें है क्या? मतलब ये डब्बा तुम फेंकी नहीं? क्यों फेंके, काम में आने वाला चीज है। देख लो भाई इंडियन मम्मियों का जुगाड़, कुछ डब्बा आ जाए तो फेंकना नहीं है, उसमें कुछ सामान रखना ही रखना है। तुम्हारी मम्मी भी ऐसे करती है क्या? अरे ले जाओ मेरे घर में बहुत सारा डब्बा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओहो उस दिन जो मैं रसना लाया था, तो ये रहा मेरा सूप। बट दिक्कत क्या है ना, तीनों अलग अलग फ्लेवर का है, अब इसमें भी चूज करना पड़ेगा। कौन सा फ्लेवर तुमको चाहिए? चिकन डिलाइट। हाँ। स्वीट कौन दे दो, ये वाला। फाइनली डिसाइड हो गया है किसको इसमें से ये स्टील वाला चम्मच मिलेगा। जिसको भी ये स्टील वाला कांटा चम्मच मिलेगा ना भाई, उसको जीतने का चांसेस ज्यादा है। ये किसको मिलेगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे एक लूडो मैच खेलकर, और जो भी इसमें विनर होगा उसको मिल जाएगा ये स्टील वाला कांटा का चम्मच, और जो लूजर होगा उसको मिलेगा ये पुचको सा। चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी?
फाइनली मैं वापस से एक और बार जीत चुका हूँ। तीन जो गोटी था वो होम हो चुका था, बस एक जो गोटी था वो मतलब अंदर पहुंच ही गया था, इसका भी होने ही वाला था। इनफैक्ट मेरे से पहले इसका अंदर गया लेकिन इसका अटका रह गया। लास्ट वाले वीडियो में आप में से काफी लोगों का कमेंट था कि आर्यन जो पुचका वाला चैलेंज किया था प्रॉपर तरीके से किया था, वो पूरा पूरा पानी ले रहा था, मैं प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। कोई नहीं, चलो मेरे तरफ से आर्यन को ये वाला स्टील वाला चम्मच। अब आर्यन अपना जलवा दिखाएगा, ठीक है? चलो मैंने जीत के भी अपना वाला जो फॉक था वो आर्यन को दे दिया। इस वाले वीडियो का जो पनिशमेंट होगा ना वो आर्यन डिसाइड करेगा, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो का पनिशमेंट वो मैंने सोचा था कि क्या होगा। तो आर्यन बताओ इस बार का पनिशमेंट क्या होगा? चैलेंज के बाद जो सूप बचा हुआ रहेगा उसमें दो हरी मिर्च काट के मतलब उसमें डाल करके पीना होगा। तो ये तुम्हारे लिए तो फायदा हो गया, अगर तुम हारता भी हो तो तुमको तो मिर्च पसंद है। चलो कोई ना, जीतने वाले को आइसक्रीम। फ्रिज में है आइसक्रीम? अभी भी आज भी नहीं खाई। तो फाइनली हम लोगों ने अपना अपना सूप ले लिया है। मेरे को देख लो, ये वाला मिला है फॉक। आर्यन को दिखा दो, आर्यन का तो आज चांदी चांदी है। ट्राई करके दिखाता हूँ ये उठता है कि नहीं उठता है। हाँ, ऐसे थोड़ा बहुत पी सकता हूँ, देख लो ऐसे। कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं ये कॉम्पिटिशन। आर यू रेडी? चलो ऑल राइट। तो सब कुछ सेट हो चुका है और ये देख लो हम लोगों ने टाइमर भी सेट कर लिया है 3 मिनट का। 3 मिनट के बाद जिसके बाउल में सबसे कम सूप होगा वो विनर होगा और जिसके बाउल में ज्यादा सूप रहेगा वो लूजर, और उसको खाना पड़ेगा उसी सूप में दो मिर्च डालकर। पीछे हम लोगों ने टाइमर सेट करके रख दिया है, दोनों में ही देख लो एकदम सेम लेवल पे ये सूप है। टाइमर स्टार्ट हो गया है। अरे ले लो हाथ में जल्दी से। 3, 2, 1 रेडी। चीटिंग है मेरे साथ। अभी 30 सेकंड बाकी है और आर्यन ने कंप्लीट कर दिया, मेरा इतना बचा रह गया। ज्यादा नहीं, देख लो मैंने भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया था, बस थोड़ा सा बचा रह गया और आर्यन ने पूरा ही कंप्लीट कर दिया। मैं तो हार गया हूँ। अब इसमें जाएगा एक मिर्च, इतने कम सूप में यार, तो ये वाला मिर्च जाएगा इसके अंदर। ये तो मिर्च खाने से पहले ही मेरे आंखों में आंसू आ गया है। तीखा होगा क्या मम्मी मिर्च? मम्मी बोल रही है खाओ तब पता चलेगा। तो ये मिलेगा आर्यन को, और आर्यन प्लीज यार हमको भी देना यार, बहुत तीखा लगा है। तो गाइस ये मेरे लिए और ये मामा के लिए। थैंक यू आर्यन। अब आराम मिला खाकर। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वाला चैलेंज कैसा लगा। आर्यन मजा आया? बहुत। इसी बात पे एक शायरी हो जाए क्यों आर्यन? हो जाए तो बताओ आर्यन किस टाइप का सुनना है, फनी, थोड़ा दर्द वाला? दर्द वाला। तो सुनो आर्यन, हमें तो अपनों ने हराया गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने हराया गैरों में कहा दम था, मैं तो जानबूझ कर हार गया वरना इस बच्चे में कहा दम था। चलो कोई नहीं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। आर्यन के अंकल आए लेने के लिए उसको। बाय। हाँ तो अभी टाइम देख लो, रात के 10 बज चुके हैं और ये होने वाला है मेरा आज का डिनर। रोटी है साथ में ऑमलेट है। हाँ तो डिनर हो गया है मेरा कंप्लीट और आर्यन भी अपने घर पहुंच गया अच्छे से। चलो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ तक इस वीडियो को देख लियो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी बाय कर दो। चलो बाय। अरे इतना कम सूप है तो इसमें दो जाएगा बताओ। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, अगर वो स्टील वाला कांटा चम्मच मुझे मिल जाता तो क्या आपको लगता है इस बंदे में इतना दम था? नहीं नहीं ये मजा नहीं।